हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ परवीन यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन CSE एंड BCA डिपार्टमेंट इन सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ लिंकर, दैट इज डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, रिलोकेटिंग लोडर एंड बाइंडर एंड ओवरलेज। तो लास्ट क्लास में हमने लोडर के बारे में पढ़ा था कि लोडर क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं लोडर को, और लिंकर के बारे में पढ़ा था कि लिंकर बेसिकली क्या है, किस लिए हम लोग यूज करते हैं। सो लोडर के बारे में जो हमने पढ़ा था वो ये था कि हम लोग प्रोग्राम को लोड, जो भी exe फाइल हमारे पास जनरेट होकर आती है उस फाइल को हम लोग लोड कराते हैं अपने मेमोरी के अंदर, सो डेट जो मेरा प्रोग्राम है वो इजिली एग्जीक्यूट हो जाए। तो हमने लोडर के टाइप्स भी पढ़े थे, दैट इज कंपाइल एंड गो लोडर, या हम बोले कि कंपाइल एंड असेंबलर लोडर, जर्नल स्कीम लोडर, एब्सोल्यूट लोडर। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट लिंकिंग लोडर की। सो डायरेक्ट लिंकिंग लोडर बेसिकली हमारे पास क्या है, एक जर्नल रिलोकेटिंग लोडर है, और ये हमारे पास मोस्ट पॉपुलर, या हम कह सकते हैं प्रेजेंटली सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारे पास डायरेक्ट लिंकिंग लोडर ही है। इस स्कीम का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे एक प्रोग्रामर मल्टीपल प्रोसीजर को और मल्टीपल डाटा को यूज करते हैं, डेट मीन्स कि तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामर को एडवांटेजेस क्या है कि एक मल्टीपल प्रोसीजर और मल्टीपल डाटा सेगमेंट्स हैं यहाँ पे प्रोग्रामर के लिए। मींस कि जो आपके पास यहाँ पे जो प्रोसीजर है, यहाँ पे जो मल्टीपल प्रोसीजर और जो कोड सेगमेंट है उसके अंदर आपके पास कोड भी हो सकता है, सब रूटीन्स भी हो सकते हैं, और जो आपके पास डाटा सेगमेंट है वहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल है, उस ऑब्जेक्ट फाइल में जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उनकी मेमोरी, उनकी स्टोरेज लोकेशन क्या है, और वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, फ्रॉम कोड सेगमेंट से। सो यहाँ पे हमारे पास वो दोनों चीज़ों को रखती हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इन एडिशन द प्रोग्राम इज फ्री टू रेफरेंस डाटा और इंस्ट्रक्शन डेट आर कंटेंट इन अदर सेगमेंट। मीन्स यहाँ पे प्रोग्रामर के पास सारी प्रोग्रामर यहाँ पे एक डाटा को किसी दूसरे कोड सेगमेंट में है या किसी दूसरे सेगमेंट में है, तो उसको वो रेफरेंस के लिए यहाँ पे प्रोग्रामर फ्री है सारी चीज़ों को रेफरेंस कराने के लिए। डायरेक्ट लिंकिंग लोडर प्रोवाइड फ्लेक्सीबल इंटर सेगमेंट रेफरेंसिंग एंड एक्सेसिंग एक्सेसिबिलिटी, डेट मीन्स कि एक कोड सेगमेंट को एक प्रोसीजर सेगमेंट के साथ लिंकिंग कराने के लिए भी यहाँ पे एक इजिली हम डायरेक्ट लिंकिंग के थ्रू कर सकते हैं वो काम। द असेंबलर शुड गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, असेंबलर कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन वहां पे सेंड करता है, तो फर्स्ट है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कोड सेगमेंट, लिस्ट ऑफ ऑल सिंबल्स व्हिच आर नॉट डिफाइंड इन द करंट सेगमेंट बट कैन बी यूज्ड इन द करंट सेगमेंट, द लिस्ट ऑफ ऑल सिंबल्स व्हिच आर डिफाइंड इन द करंट सेगमेंट बट कैन बी रेफर्ड बाय अदर। तो इस तरीके से आपके पास ये तो क्या क्या होगा, मेरे पास असेंबलर के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वो लोडर के पास सेंड करेगा, ऑब्जेक्ट कोड सेगमेंट है जो आपके पास, उसका टोटल लेंथ, जो भी सिंबल टेबल हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है उसकी लिस्टिंग करेगा वो सभी सिंबल्स की जो कि करंट सेगमेंट में यूज होंगे उनकी भी, और जो नहीं होंगे उनकी भी। हो सकता है कि कोई ऐसा सिंबल हो जो मुझे दूसरे सेगमेंट में रिक्वायर्ड हो, तो मुझे वो सिंबल भी अपने सिंबल टेबल में स्टोर करा के रखना होगा, सो डेट कि मैं उस सिंबल को इजिली वहां पे यूज कर सकूँ। लिस्ट ऑफ ऑल सिंबल विच आर डिफाइंड इन द करंट सेगमेंट बट कैन बी रेफर्ड बाई अदर, डेट मीन्स की वो वाले जो आपके पास सिंबल्स होंगे उनकी भी लिस्ट बना के रखेंगे जो कि करंट सेगमेंट के अंदर हमारे पास यूज होंगे, करंट सेगमेंट के अंदर डिफाइंड होंगे बट रेफर्ड किस में हो रखे होंगे, किसी दूसरे सेगमेंट के थ्रू रेफर्ड हो रखे होंगे। सो ये आपका था कुछ इसकी जो जो इन्फॉर्मेशन लोडर को यहाँ पे असेंबलर प्रोवाइड कराएगा। एक यूज टेबल हम लोग यहाँ पे टर्म है, तो द लिस्ट ऑफ सिंबल्स विच आर नॉट डिफाइंड इन द करंट सेगमेंट, मीन्स वो सिंबल्स जो कि करंट सेगमेंट में डिफाइंड नहीं है बट कैन बी यूज इन द करंट सेगमेंट आर स्टोर्ड इन द डाटा स्ट्रक्चर। एक टेबल आपके पास दैट इज यूज टेबल, उस यूज टेबल के अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपने लिस्ट टेबल्स की, जो हमने यहाँ पे जो ये दो प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं सेकेंड एंड थर्ड, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी सिंबल ऐसा है जो कि हमारे करंट सेगमेंट में हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं बट किसी दूसरे सेगमेंट में हम लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम उस चीज को यहाँ पे यूज टेबल के अंदर स्टोर करा के रखते हैं। द यूज टेबल होल्ड्स द इन्फॉर्मेशन सच एज नेम ऑफ सिंबल, एड्रेस, एड्रेस रिलेटिविटी मीन्स किस टाइप का सिंबल है, सिंबल में आपके पास कोई वेरिएबल भी हो सकता है और वो वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होगा तो उसका कोई एड्रेस भी हो सकता है, तो यूज टेबल वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेगा। उसी तरीके से हमारे पास है सेकेंड वन जो कि रिलोकेटिंग लोडर है। बेसिकली रिलोकेटिंग लोडर के अंदर हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि रिलोकेटिंग लोडर के अंदर हमारे पास मल्टीपल कह सकते हैं कि मैनी कोड और प्रोसीजर सेगमेंट हो सकते हैं बट एक डाटा सेगमेंट होगा,
इसके अंदर आपका रिलोकेटिंग लोडर के अंदर, और उसके अंदर आपका क्या है कि मल्टीपल ही आपके पास कोड और प्रोसीजर सेगमेंट थे और मल्टीपल ही आपके पास डाटा सेगमेंट्स थे। तो यहाँ पे एक आपका मेन जो रिलोकेटिंग लोडर का एग्जांपल है वो है बाइनरी सिंबॉलिक सबरूटीन लोडर, जो कि यूज होता है आपके पास आईबीएम सिस्टम्स में। और टू अवॉइड पॉसिबल रीअसेंबलिंग ऑफ ऑल सब रूटीन्स व्हेन अ सिंगल सब रूटीन इज चेंज्ड एंड टू परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड लिंकिंग फॉर द प्रोग्रामर द रिलोकेटिंग लोडर्स इज इंट्रोड्यूस्ड। दैट मींस कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जब हमारे पास सब रूटीन्स हम लोग यूज करते हैं, नंबर ऑफ सब रूटीन्स हमारे पास वहाँ पे हो सकते हैं, प्रोसीजर्स आपके पास वहाँ पे हो सकते हैं, और किसी एक सब रूटीन में अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो जो एक चेंज हो रहा है वहाँ पे, तो वो जो बार बार रीअसेंबलिंग करनी पड़ती है, उस रीअसेंबलिंग के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं रिलोकेटिंग लोडर को यूज करते हैं। दैट मींस कि रीअसेंबलिंग ऑफ ऑल सब रूटीन्स व्हेन सिंगल एक सिंगल सब रूटीन में कोई चेंज हुआ है, तो वहां पे जो टास्क परफॉर्म होगा दैट इज एलोकेशन का या लिंकिंग का, वो हमारे पास उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे रीअसेंबलिंग की, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, रिलोकेटिंग लोडर। तो यहाँ पे बीएसएस आपके पास एक एग्जांपल है जो कि बाइनरी सिंबॉलिक सबरूटीन है। द बीएसएस लोडर अलाउज मेनी प्रोसीजर सेगमेंट बट ओनली वन डाटा या बट ओनली वन डाटा सेगमेंट मीन्स यहाँ पे आपके पास प्रोसीजर सेगमेंट काफी सारे हो सकते हैं बट डाटा सेगमेंट आपके पास एक ही होगा। प्रोसीजर सेगमेंट के बारे में हमने बात भी की थी डायरेक्ट लिंकिंग लोडर में। प्रोसीजर सेगमेंट में आपके अंदर क्या होगा, कोड होंगे, सब रूटीन्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, बट जो डाटा सेगमेंट होंगे यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल होगी जिसके अंदर के आपके वेरिएबल्स, आपके सिंबल्स को कंप्लीट डिटेल्स आपके पास यहाँ पे होगी। उसके बाद द असेंबलर असेंबल्स ईच प्रोसीजर सेगमेंट इंडिपेंडेंटली एंड पासिस टू लोडर टू द टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सच एज टू रिलोकेशन एंड इंटर सेगमेंट रेफरेंसेज। मींस यहाँ पे जो असेंबलर होगा वो क्या करेगा, असेंबल करेगा इन सारे प्रोसीजर सेगमेंट्स को जो कि अलग अलग इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, और उसको पास कर देगा लोडर एंड पासिस टू लोडर, लोडर के पास पास कर देगा तो टेक्स्ट और इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होगी उसकी रिलोकेशन से और इंटर सेगमेंट रेफरेंसेज से। द आउटपुट ऑफ रिलोकेटिंग असेंबलर यूजिंग अ बीएसएस स्कीम, जो आउटपुट यहाँ पे आपके पास रिलोकेटिंग लोडर के अंदर होगा जो कि हम लोग स्कीम यूज करते हैं, दैट इज हमने बात भी की थी बीएसएस वाली, उस स्कीम के अंदर हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल अदर प्रोग्राम इट्स रेफरेंसेज। वो एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आएगा और इंफॉर्मेशन जो भी आपके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड होगी, जितने भी रेफरेंसेज उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से लिंकअप होंगे उनके रिगार्डिंग सारे की सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी। फॉर ईच प्रोग्राम द असेंबलर आउटपुट्स आर टेक्स्ट मशीन, तो यहाँ पे आउटपुट्स आर टेक्स्ट और मशीन ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास हर एक प्रोग्राम के लिए असेंबलर क्या करेगा, आउटपुट करेगा एज अ टेक्स्ट के लिए। सो यहाँ पे आपके पास एक चीज यूज होगी दैट इज प्रीफिक्स्ड बाई ट्रांसफर वेक्टर दैट कंसिस्ट ऑफ एड्रेस कंटेनिंग नेम ऑफ द सब रूटीन रेफरेंस्ड बाई सोर्स प्रोग्राम। मीन सोर्स प्रोग्राम के अंदर आपका कोई सब रूटीन यूज हो रखा है, उस सब रूटीन का कोई ना कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस को यहाँ पे ट्रांसफर वेक्टर के अंदर हम लोग स्टोर करा के रखते हैं, सो डेट की उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के पास हम लोग और उस प्रोसीजर से जो भी लिंकिंग अप होंगे नेक्स्ट प्रोसीजर उनके पास हम लोग इजिली पहुंच जाए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक लिया हुआ है स्क्वेयर रूट रूटीन का हमने लिया हुआ है, वॉज रेफरेंस्ड एंड वॉज फर्स्ट सब रूटीन कॉल्ड, द फर्स्ट लोकेशन ऑफ ट्रांसफर वैक्टर कंटेन इन द सिंबॉलिक नेम एसक्यूआरटी। मींस ट्रांसफर वेक्टर के अंदर क्या स्टोर होगा, एसक्यूआरटी, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक सब रूटीन है जो कि फर्स्ट सब रूटीन है, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट लोकेशन आपके ट्रांसफर वेक्टर में जो कि सिंबल को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एसक्यूआरटी, तो द स्टेटमेंट कॉलिंग एसक्यूआरटी वुड बी ट्रांसलेटेड इनटू ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, और जब भी स्टेटमेंट मेरे पास एसक्यूआरटी को कॉल करेंगे तो उसके बाद वो ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में कॉल करेगी। द असेंबलर वुड आल्सो प्रोवाइड द लोडर विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड कराई जाती थी जो कि डायरेक्ट लिंकिंग में वही यहाँ पे भी है, लेंथ ऑफ द एंटायर प्रोग्राम, लेंथ ऑफ ट्रांसफर वेक्टर, यहाँ पे ये क्या एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हमें क्या सेंड करना है, असेंबलर हमारे पास लोडर को क्या इंफॉर्मेशन देगा, आपका कंप्लीट प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन, उसकी लेंथ और आपका जो ट्रांसफर वेक्टर है उसकी लेंथ, और जैसे ही लोडिंग हो जाएगी आपकी टेक्स्ट फाइल तो ट्रांसफर वेक्टर इनटू कोर द लोडर वुड लोड ईच सब रूटीन आइडेंटिफाइड इन द सब रूटीन, जितने भी सब रूटीन हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर वेक्टर के अंदर होंगे उन सभी को वो लोड कराएगा। दस द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉल एसक्यूआरटी, दस द एग्जीक्यूशन कॉल एसक्यूआरटी स्टेटमेंट वुड रिजल्ट इन ब्रांच टू द फर्स्ट लोकेशन। आपके पास एसक्यूआरटी यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन होगी, फर्स्ट लोकेशन में अगर एसक्यूआरटी है तो उसके बाद वो जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस होंगी वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कोई और सब रूटीन आएगा वो एग्जीक्यूट होगा, तो वो यहाँ पे सारे के सारे की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। द बीएसएस लोडर स्कीम इज ऑफन यूज्ड ऑन
कंप्यूटर्स विद अ फिक्स्ड लेंथ डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आपका है, आपके पास ये आपका हो गया रिलोकेटिंग लोडर्स। इसके बाद आपके पास बाइंडिंग्स, सो बाइंडर्स हमारे पास बेसिकली क्या कुछ है, क्यों हम लोग बाइंडर्स को यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, और फिर बात करेंगे ओवरले। तो बाइंडर्स क्या करते हैं, हमारे पास सबरूटीन को बाइंड करते हैं वो एक साथ, ना कि वो उनको रिलोकेट करते हैं और लिंक करते हैं। लिंक्ड जो टेक्स्ट जो है डायरेक्टली इनटू मेमोरी। तो यहाँ पे बेसिकली बाइंडर क्या करेंगे, बाइंड्स द सबरूटीन टुगेदर रेदर देन प्लेसिंग द रिलोकेटेड एंड लिंक टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू मेमोरी। मीन्स जो हमारे पास रिलोकेटेड टेक्स्ट आएगा या जो लिंक टेक्स्ट आएगा उसको मेमोरी के अंदर डायरेक्टली लोड ना करके वो क्या करते हैं, उसको बाइंड करते हैं। आउटपुट यहाँ पे जो हमारे पास होगा, जिस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल बनती है आपके पास, और उसी तरीके से बाइंडर की भी एक फाइल बनती है जिसको हम बोलते हैं कार्ड डेक। सो आउटपुट ऑफ फाइल इज रेडी टू बी लोडेड। जो आउटपुट फाइल हमारे पास जो बनी है ऑब्जेक्ट फाइल या कार्ड डेक फाइल, ये हमारे पास रेडी होती है मेमोरी के अंदर लोड होने के लिए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोड मॉड्यूल। इसी तरीके से आपके पास क्या है, मेन फंक्शन ऑफ बाइंडर का जो आप मेन फंक्शन है वो जो हमने लोडर के भी पढ़े हैं कि एलोकेट कराना स्पेस को, रिलोकेट कराना सब रूटीन्स को, सिंबल टेबल्स को, और उसके बाद उनको लिंक करना, वो सारे के सारे फंक्शंस हमारे पास बाइंडर के भी हैं। दो मेजर क्लासेस यहाँ पे बाइंडर के हैं, जो कि आपके पास कोर इमेज बाइंडर है और आपका लिंकेज एडिटर है। एब्सोल्यूट लोडर फाइल की तरह ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे दिखती हैं। स्पेसिफिक कोर एलोकेशन ऑफ द प्रोग्राम इज डन व्हाइल बाइंडिंग द सब रूटीन्स टूगेदर। जब हम सब रूटीन्स को एक साथ बाइंड करते हैं, तो उस टाइम पे एक एलोकेशन जो स्पेसिफिक कोर एलोकेशन है उस प्रोग्राम का यहाँ पे रन होता है। लुक्स लाइक एन एक्चुअल स्नैपशॉट और इमेज ऑफ द कोर, हेंस कॉल्ड कोर इमेज बाइंडर। मीन्स जो कि आपके पास जो इमेज है वो हमारे पास एक्चुअल स्नैपशॉट की तरह दिखती है। तो उस पर्टिकुलर इमेज को जो भी फाइल आपकी, उस फाइल की जो इमेज बनती है, उस फाइल को हम लोग क्या बोल लेते हैं, कोर इमेज बाइंडर। दिस वन इज सिंपल, वर्क्स रिलेटिवली फास्ट। ये हमारे पास क्या है, बाइंडर हमारे पास फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर वन। सो कीप ट्रैक ऑफ रिलोकेशन, रिलोकेशन जो आपके पास होती है उसकी ट्रैक को, उसके जितने भी जो भी जो जिस भी तरीके से आपके पास वहाँ पे रिलोकेशन जनरेट होती है, उस रिलोकेशन को उसका पूरा का पूरा ट्रैक अपने पास स्टोर करके रखता है। फंक्शंस क्या है, प्रिपेयर अ सिंगल लोड मॉड्यूल एंड जस्ट ऑल द एड्रेसेस विद रिस्पेक्ट टू द ऑफसेट लोकेशन। प्रिपेयर अ लोड मॉड्यूल विच कंबाइंस विद अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। मीन्स जितने भी आपके ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स होते हैं उनके साथ लोड मॉड्यूल को कंबाइन करता है। उसके बाद आपके पास एट करेक्ट लोकेशन इन लोड मॉड्यूल कॉपी द बाइनरी मशीन इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू प्रिपेयर टू एग्जीक्यूट द मॉड्यूल। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका लोड मॉड्यूल के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कॉपी करेगा वो मशीन इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कराने के लिए रेडी करेगा। द वर्किंग ऑफ दिस बाइंडर इज प्रेटी कॉम्प्लेक्स बट अलाउज फ्लेक्सिबल एलोकेशन एंड लोडिंग स्कीम्स। सो इसके बाद आपके पास ओवरले। ओवरले बेसिकली अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक ये एग्जांपल है। सपोज एन एग्जांपल की ओवरले में बेसिकली क्या होगा कि आपके पास एक बड़ा प्रोसेस है कोई भी, और आपके पास मेमोरी साइज कम है, लेकिन आप चाहते हो कि वो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो। तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने के लिए सारी प्रोसेसिंग करते हैं। बेसिकली जो ओवरलेज जो टेक्निक है वो एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर यूज होती है। हमारी करंट जो सिस्टम्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, अगर हम बात करें कंप्यूटर वगैरह हैं, इनके अंदर हम लोग ओवरले टेक्निक को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये सारे का सारा हमारे प्रोग्रामर पर डिपेंड है, ना कि सिस्टम पर। अगर एग्जांपल की बात करें एम्बेडेड सिस्टम में, तो वॉशिंग मशीन है जैसे, वहाँ पे एक टाइम पे एक ही काम होगा, तो हम उस तरीके से वहाँ पे एक, जैसे अगर वो वहाँ पे चल रहा है कि वॉशिंग की चल रहा है, तो वो वॉशिंग वाला काम पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद ड्रायर वाला काम होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास ओवरले भी है। एग्जाम्पल के लिए सिंपल है कि कंसिडर दो पास असेंबलर है हमारे पास, जिसमें पास वन का 80 KB है, पास टू हमारे पास 90 KB है। एक सिंबल टेबल होता है हमारे पास जो कि 30 KB का साइज है, कॉमन रूटीन है उसका 20 KB का साइज है, और एक पर में वन वन पास इज यूज। सो हमें मैक्सिमम मिनिमम पार्टीशन साइज बताना है कि ओवरले, और ओवरले का साइज कितना, 10 का। हमारे पास यहाँ पे हमने टोटल लेंथ कैलकुलेट की है 80, 94 सेकंड, देन 34 सिंबल टेबल, 24 कॉमन रूटीन और 10 फॉर ओवरलेज। यहाँ से हमारे पास क्या आया, 230 का आया। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी स्पेस है वो 230 KB का नहीं है। अब जब हमारे पास मेमोरी स्पेस 230 KB का नहीं है और हमें अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट में जब हम पास वन को के लिए वर्क कर रहे हैं, तो पास टू का
जो है साइज हमारे पास 90 KB, उसके हमारे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि सिंबल टेबल और हमें कॉमन रूटीन्स और आपका ओवरले साइज की रिक्वायरमेंट है। तो जब पास वन के केस में जब हम इन सारी चीजों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 140K आएगा, 140 KB आएगा। और वहीं पे पास टू के बारे में जब बात करेंगे तो हम पास वन का जो साइज है आपका 80 KB, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 150 KB। डेट मीन्स कि हमारी मेमोरी स्पेस के अंदर 150 KB साइज होना चाहिए जरूर। अगर 140 KB अगर फाइल आपका स्पेस है तो आपका पास वन तो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन पास टू एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जब हमारे पास दोनों ही टर्म एक प्रोग्राम हमारे पास एक कंप्लीट प्रोग्राम है, और जब तक दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम की हमारा जो आउटपुट जनरेट होगा वो एक वैलिड आउटपुट वहाँ पे नहीं मिलेगा। सो इसलिए हमें जो मिनिमम साइज है वो कितना चाहिएगा, 150 KB चाहिएगा फ्री, सो डेट मेरे पास दोनों पास वन भी और पास टू भी हम लोग इजिली एग्जीक्यूट करा सके। तो ये था ओवरले का। अब इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते कि ओवरले के अंदर क्या है ना, जनरल कंप्यूटिंग सेंस ओवरलेइंग, ओवरलेइंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम कोड और अदर डाटा इनटू इंटरनल मेमोरी, रिप्लेसिंग व्हाट इज ऑलरेडी स्टोर्ड, जो भी वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको रिप्लेस करके हम जो हमारे रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे स्टोर कराते हैं। ओवरलोडिंग इज ओवरलेइंग इज अ प्रोग्रामिंग मेथड मेथड डेट अलाउज प्रोग्राम्स टू बी लार्जर देन द कंप्यूटर मेन मेमोरी, जो भी कंप्यूटर मेन मेमोरी से ज्यादा साइज है उसको हम यहाँ पे अलाउ करते हैं। कंस्ट्रक्टिंग एन ओवरले प्रोग्राम इन्वॉल्व मैनुअली डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इंटू सेल्फ कंटेंट ऑब्जेक्ट कोड ब्लॉक्स, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ओवरले बोलते हैं। सिबलिंग सेगमेंट्स ये आपका दोज एट द सेम डेप्थ लेवल शेयर द सेम मेमोरी कार्ड ओवरले रीजन और डेस्टिनेशन रीजन। अगर हमारे पास जो सेगमेंट है वो वहाँ पे आपका सेम है, सेम ही सिबलिंग्स का है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं उसका सेम डेप्थ लेवल पे फिर सेम सेम मेमोरी को शेयर करके और उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं ओवरले रीजन और डेस्टिनेशन रीजन। एन ओवरले मैनेजर आइदर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और पार्ट ऑफ द ओवरले प्रोग्राम लोड्स द रिक्वायर्ड ओवरले फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी इंटू इट्स डेस्टिनेशन रीजन, जब भी उसकी रिक्वायर्ड होगी तो वो वहाँ पे उस चीज को हम लोग ओवरले मैनेजर के थ्रू हम वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को वहाँ पे लोड करा देते हैं और अपने जो भी हमारे पास एग्जीक्यूशन हमें करना हो हम उस एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर देते हैं वहाँ पे। सो ये आपका था बेसिकली ओवरले, जिसके अंदर कि आपके प्रोग्राम से रिलेटेड था कि कितना आपको साइज चाहिए, आपकी मेमोरी स्पेस कितना है, कितना आपको पर्टिकुलर एक सिंगल कंप्लीट प्रोसेस में से किस किस पोर्शन को कितना कितना प्रोग्राम चाहिए, तो कितना कितना स्पेस चाहिए, तो वो जो टेक्निक है वो हमारे पास ओवरले ड्राइवर के थ्रू या ओवरले मैनेजर के थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं।